हेलो एवरीवन, IPHI के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको अस्थमा के बारे में बताने जा रहे हैं। एवरी ईयर मई के फर्स्ट ट्यूसडे को हम वर्ल्ड अस्थमा डे के तौर पे मनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अस्थमा क्या है, क्या इसके प्रिवेंशन है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे की जो थीम है 2022 की, वो है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। सो अब हम जानेंगे अस्थमा है क्या। अस्थमा एक तरह का क्रॉनिक लंग डिजीज़ है। इसमें आपका एयरवेज जो है वो इफेक्ट होती है। बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही बीमारी है ये, और ज़्यादातर इसमें कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे वीजिंग साउंड, जो कि आपके लंग से आएगी, जिसको कि आप कह सकते हैं घरघराहट की आवाज़ आना। देन आपको ब्रीदलेसनेस होगी, जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत वॉक करने पे, चलने पे या दौड़ने पे आपको सांस आपका फूलने लगेगा। नॉर्मली भी अगर आप ज़्यादा देर तक बात करेंगे तो भी आपका सांस फूलने लगेगा, जिसको कि हम ब्रीदलेसनेस कहते हैं। थर्ड आपका है चेस्ट में जो टाइटनेस, चेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगी एंड टाइट लगेगी। नेक्स्ट है आपका नाइट टाइम में और या फिर अर्ली मॉर्निंग में आपको कफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ। सो ये आपके बेसिक सिम्टम्स हैं। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे लंग्स हैं, बेसिकली इन्फ्लामेशन की वजह से ही हमें ये लंबे टाइम से चलता आ रहा प्रॉब्लम है। नॉर्मल एयरवे और आपका जो एस्थमेटिक एयरवे है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नॉर्मल एयरवे में जो लाइनिंग है, जो मसल्स हैं, वो आपकी बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल थिन या नॉर्मल लाइनिंग है। वहीं अगर आप बात करते हैं जो पर्सन को अस्थमा है, उसकी एयरवे जो ब्रोंकाई है उनमें स्वेलिंग है और उनमें म्यूकस का जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा है, तो म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं तो जो अस्थमा कॉज कर सकते हैं, और आपको ऑटोमेटिकली जो भी फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे घर में जितना भी आपका कुछ भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो अस्थमा कॉज कर सकते हैं, जैसे डस्ट हो गया या आपके लिनन्स हो गए, अगर आप एनिमल लवर हैं और आपने पफी हेयर्स वाले एनिमल्स को अपने पास रखा हुआ है, तो ये सब आपको एलर्जी कॉज कर सकते हैं इन हाउस। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेडिंग्स अपनी आपको वॉश करनी है वीकली। आपको बेडिंग एनकेसमेंट्स यूज़ करने हैं, जिसकी वजह से जितने भी आपके रोडेंट्स वगैरह होंगे वो दूर रहेंगे, और ह्यूमिडिटी लेवल जो है आपके रूम का या घर का वो रिड्यूस्ड लेवल पे होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो है कफिंग या ब्रीदलेसनेस उतना कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पेट्स के साथ एक्सपोजर में भी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया कि कोई भी पेट है आपका पफी हेयर्स का, तो आप जितना दूर रह सकते हैं उतना रहिए, या फिर आप अपने घर में पेट्स को अलाउ नहीं करिएगा, अदरवाइज आपको बार बार एस्थमेटिक अटैक्स होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके घर में है भी तो आप अपने बेडरूम में उनको अलाउ नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करेंगे। कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल होते हैं। सबसे पहला उसमें आता है एयर पोल्यूशन। जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती जा रही है, हमारा एयर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली बहुत सारे लंग डिजीज़ हो रहे हैं, जिनमें से अस्थमा भी एक है। तो आप कोशिश करें कि पॉल्यूशन वाले एरिया में कम से कम जाएं, जहाँ पे आपको गैस या धुआं ये सब है तो उनको, या फिर आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं उनसे भी एलर्जिक रहता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी एलर्जी रहती है, ट्रीज़ के छोटे छोटे कुछ अगर कण होते हैं उनसे भी आपको एलर्जी रहेगी, तो आप कोशिश करें कि उनको सबको अवॉइड करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। ऑब्वियसली आपको अभी तक मैंने बताया अस्थमा क्या है, कहाँ होता है, स्वेलिंग कैसे रहती है, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं ट्रिगर कर सकते हैं उनको अवॉइड करेंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स भी हैं जिनसे हम अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आपका आएगा आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर्स। जो भी प्रीवियस मैंने अभी आपको बताया कि इतने सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, आप उन सबको प्रिवेंट करें, उन सबको अवॉइड करें। आइडेंटिफाई करके ही आप अवॉइड कर सकते हैं, कोशिश करिए कि उनसे दूर रहें। हमेशा एलर्जेंस, जो भी एलर्जिक चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए, उनसे आप दूर रहें। कोशिश कर सकते हैं आप मास्क लगा के रखने का। देन स्मोक या किसी अदर तरीके का जो भी धुआं है उससे भी आप दूर रहिएगा। अगर स्मोकिंग कोई पर्सन कर रहा है तो आप हैंकरचीफ या आप अपने मास्क का यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड एरिया, कोल्ड क्लाइमेट में आप थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलिएगा, क्योंकि कोल्ड भी आपका लंग्स में कफिंग और कंजेशन कॉज करेगी और साथ ही साथ में ब्रीदलेसनेस करेगी।
एलर्जी प्रूफ होम्स अगर आप प्रेफर करते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक एन एडवांटेज ऑफ एलर्जी प्रूफ होम्स. वैक्सीनेट कर सकते हैं अपने आप को, देन इम्यूनोथेरेपी ले सकते हैं एलर्जी शॉट्स के लिए, और जितनी भी आपकी एस्थमा मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है, फ्रीक्वेंटली आप विजिट करते रहिए, फॉलोअप करते रहिए एंड अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिएगा. थैंक यू सो मच. दिस वॉज ऑल अबाउट एस्थमा एंड इट्स प्रिवेंशन एंड केयर. सो आई वुड लाइक टू एड ऑन सम लाइन्स लाइक ब्रीदिंग इज अ लाइफ, सो लेट अस वर्क टुगेदर फॉर अ क्लीनर एंड हेल्थियर एनवायरमेंट टू स्टे सेफ फ्रॉम एस्थमा. दिस इज द प्राइम मोटो ऑफ इंपैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट. थैंक यू सो मच.